अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़बार ज़ाजावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूं और जेन थेरेपिस्ट भी। तो लास्ट टाइम जो मैंने अपने दूसरे चैनल से रज़ा जावा से आपके लिए कमल पेश किया था ख़ास रिस्क के लिए, उसकी मकबूलियत और आपकी पसंदीदगी ने मज़ीद इसको जो है वो मुझे इस बात को उभारा कि मैं मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ। आपकी फरमाइश थी कि इसके बाद भी कोई अगर टाइम आए तो आपको बताया जाए, स्पेशली दौरे हाजिर का जो सबसे बड़ा मसला है रिस्क, उसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक टाइम और एक खास अमल जो है वो पेश करने लगा हूँ। इसमें अमल के साथ साथ टाइम की बहुत अहमियत है। ये बहुत बारीक कैलकुलेशंस हैं जो कि बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए इस्तखराज की गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक्त से भरपूर फायदा उठाएंगे। मैं वाजे करता चलूँ कि ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। दीगर जो ममालिक के लोग हैं, यूएई के, कनाडा के, या अमेरिका या यूके वगैरह के, जहां से भी, इंडिया से जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप अपने मुकामी वक्त के मुताबिक इसको प्लस या माइनस कर लीजिए। प्लीज ये आप खुद कीजिए। लास्ट वीडियो पे भी हमारे पास ये बहुत सारे कमेंट्स थे कि जी हमारे मुकामी वक्त के क्या मुताबिक होगा। देखें, जो अगर आपका वक्त हमसे प्लस है तो उसको प्लस कर लीजिए, अगर माइनस है तो माइनस कर लीजिए, ताकि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आपके पास आए और आपने उस पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है इसको इस वक्त को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि 28 फरवरी 2019 28 तारीख को ये टाइम है और सुबह 6:52 पे ये टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और 7:30 तक ये टाइम है, यानी टोटल जो है वो आपके पास 38 मिनट्स हैं जो कि आपने इस्तेमाल करने, इस वक्त को इस्तेमाल करने का जो तरीका कार है, जो अमले खास है, वो मैं आपके ऊपर गुजार करता हूँ। सबसे पहले कुछ नियाज दिलवा लीजिए, अपने पास कोई अगरबत्ती या कोई खुशबू या कोई इतर वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा कपड़ा जो कि जर्द रंग में हो अगर आपके पास है तो वो इस्तेमाल कर लें, वरना आप कोई भी कपड़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सूरह नूर आयत नंबर 32 जो है ये तलावत करनी है। सूरह नूर आयत नंबर 32 जिसका तर्जमा जो है वो बड़ा ही वाज़े है, परवरदिगार से आप जो है वो आप दुआ करते हैं और इस आयत का जो तर्जमा है वो यह है, तो अल्लाह अपने फजल से इन्हें गनी कर देगा और अल्लाह कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। बिलखसूस वो लोग जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं या अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं या मुलाजिम पेशा हैं और वो तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए ये फकत जो है वो बड़ा ही खास तोहफा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सुबह 6:52 से लेके तो 7:30 का टाइम है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। दीगर जो ममालिक के लोग हैं वो अपना वक्त खुद एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपने पढ़नी है 285 टाइम, यानी 285 मरतबा आपने पढ़नी है। अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा और इसको आप दुआ को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एंड पे परवरदिगार से आपके लिए बड़ी ही नेक दुआ का तालिब हूँ, परवरदिगार आपके रिस्क में खैर बरकत दे और कामयाबियों से आपका इंतजार करे। मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पहले आप लोग उस खास वक्त से दो इस माह से मुस्तफीद हुए, तो इंशाल्लाह अब भी आप जो है इससे मुस्तफीद होंगे। परवरदिगार से दुआ करूं कि आपकी जो अमल है उसको कबूल फरमाए और आपको अपने फजल से नवाजे। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी जो है वो आपसे दुआओं का तालिब हूं। आप दुआएं देंगे तो इंशाल्लाह मैं मजीद जो कोशिशें हैं, जो चीजें हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जो भी आप जिन भी ग्रुप्स में हैं या आपके पास कुछ पेजेस हैं या आप दोस्त जिनके भी आप केयर करते हैं, जिनके चाहते हैं, जिनके लिए कि परवरदिगार उनके रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आप फजल बांटेंगे तो इंशाल्लाह फजल ही आएगा। जैसे कि परवरदिगार फरमाता है कि जो तुम दूसरों के लिए मांगोगे वो मैं सबसे पहले तुम्हें अता करूंगा, फिर उन्हें अता करूंगा। तो अगर आप दूसरों के साथ रिस्क के मामले को शेयर करेंगे तो यकीनन परवरदिगार आपको भी खैर बरकत से नवाजेगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज़।